गुड आफ्टरनून, टुडे आई शैल टीच यू अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपने देखा होगा कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। ऑलरेडी जो नियान होता है यह आपका जीरो ग्रुप में आता है, नियान आपका जीरो ग्रुप में। अब इसके बाद हम इधर आते हैं, फर्स्ट ईयर में एस ब्लॉक और पी ब्लॉक और आपका डी ब्लॉक सेकेंड ईयर में पढ़ना होता है। तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप पढ़ चुके हैं बेटा जी, अब आप पढ़ेंगे। मैडम मैडम प्लीज़ थोड़ा साइलेंट में। थर्ड ए और फोर्थ ए, फिफ्थ ए और सिक्स्थ ए और सेवन्थ ए होता है और सिक्स्थ हो गया और फिर सेवन, जिसे हम हाइलोजन ग्रुप के नाम से जानते हैं और इसे हम एट कहते हैं, बट ए वगैरह कुछ नहीं कहते हैं ऐसा, बट ये जीरो ग्रुप में आता है। और फ्लोरीन के बाद यहाँ पे आपका नियान ज़रूर है, लेकिन इसके पहले यहाँ पे एक हीलियम भी आता है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन ऐसा आता है। और ये रहा आपका एलिमेंट। और आपको बता दें कि ये पाँच है, ये छः है, ये सात है, आठ है, नौ है, ये दस और ये आपका दो। और फिर उसके बाद बोरान के बाद एल्युमिनियम आता है, जिसे हम तेरह कहते हैं, एल्युमिनियम, नमगल, सिपस, एसआई, चौदह है, कलार, सिपस, कलार, नाइट्रोजन के पास सिपस, सल्फर है, सोलह है, सिपस, कलार, तो आठ के बाद नमगल, सिपस, यानी फास्फोरस है पंद्रह, सही है पंद्रह, उसके बाद सोलह सल्फर का है, सत्रह क्लोरीन का है, आर्गन है आपका अट्ठारह है, इस तरह से, ठीक है, आर्गन आपका कितना है, अट्ठारह है। और तो ठीक ठीक एक नमूना मैंने आपको दिया हुआ है और इस तरह से आप लिख डालिएगा, गैलिनियम, इंडिनियम, थैलियम, गैलिनियम है, इंडिनियम है, थैलियम है ना, थैलियम या ऐसा टेलुरियम ऐसा कुछ है, इंडिनियम, टेलुरियम है, टेलुरियम है, टीएल है ना। फिर उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन है, ठीक, सल्फर के पास कार्बन, सिल्कर, जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर भी होते हैं ये, टीन, लेड, लेड का 82 भी होता है। और ठीक है, अगर ये लेड 82 है, पी बी है ना, लेड 82 है तो ये 81 है, ठीक। और फिर ऑक्सीजन के बाद सल्फर, सीरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टाटीन, एंटीमनी, बिस्माथ, एलिमेंट नाम लिख दे रहे हैं हम, आप अपना वो कर लीजिएगा। फिर आपके पास सीरियम है, फिर टेलीरियम टी है, फिर पोलिनियम है और इधर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, तो बड़ा पॉपुलर है, आयोडीन है, आयोडीन का एस्टाटीन है, एटी है, फिर इसका हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन है और 18 हैं, ये 36 हैं, ये 54 है और रेडॉन आप समझते ही हैं कि ये 86 होते हैं, तो 86 से घटा लीजिए आप इधर, तो ये आपके 85 हो गए, ये आपके 84 हो गए, ये आपके 83 हो गए, 82, 81 हो गए, 54 के बाद आपकी ये 53 हो गए, 52 हो गए,
ये आपके 51 हो गए, 10 आपके 50 हो गए, ये आपके 49 हो गए, 36 के बाद ये आपके 35 हो गए, ये आपके 34 हो गए, 33 हो गए, 32 हो गए, ये आपके 31 हो गए। तो इस तरीके से आपको बता दें कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि पी ब्लॉक एलिमेंट में यही यही लोग रहते हैं और ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना, ये कैसे क्लियर किया जाए। तो इसको देखिएगा आप, तो सबसे पहले तो बेटा ये जानिए कि हम आपको बता दें कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट हुआ करते हैं, ये पी ब्लॉक के एलिमेंटों में हमारे हिसाब से क्या है, हमारे अनुसार तो कुछ होता भी नहीं है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उनमें ऑलरेडी आपके मेटल भी हुआ करते हैं और नॉन मेटल भी हुआ करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल मेटल ही हुआ करते हैं, ना, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं उसमें मेटल भी होते हैं और नॉन मेटल भी होते हैं, कंडक्टर भी हैं, सेमी कंडक्टर भी हैं, जैसे जर्मेनियम सेमी कंडक्टर भी हैं, और ये ऑलरेडी जो सॉलिड बनाया करते हैं, जैसे आपके आपके सेमी कंडक्टर के रूप में ऑलरेडी ये कुछ ना कुछ सॉलिड बनाते हैं सेमी कंडक्टर के रूप में, जैसे वाइट्स के रूप में, कहीं वाइट्स रहता है वहाँ पर जा कर के बना लेते हैं। लेकिन इतनी गहराई से हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको बताने वाले हैं कि जैसे हमारे पास पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तो ये पी ब्लॉक के एलिमेंट जो हैं वह किस तरह से आपको किस तरह से ऑलरेडी उसमें उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, है ना, आप बी एस सी पार्ट वन के हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि यह पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। तो देखिए, कोई भी एलिमेंट हो वह किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, और किस हाँ किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है, यह निर्धारित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही करता है। तो हमारे पास सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी एटॉमिक नंबर मालूम है, और इसी एटॉमिक नंबर के आधार पे हम उनके ऑलरेडी डिनोट कर लेंगे कि वह किस एलिमेंट के रूप में वो किस ब्लॉक के, हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं कि नहीं हैं। तो पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हम एडिट डाल सकते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा हेडिंग डाल सकते हैं ना, पी ब्लॉक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेडिंग डाल सकता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और बारी बारी से चेक भी कर लेते हैं किस ब्लॉक के, तो फिर एलिमेंट का टेस्ट कर ले, मैंने मीन्स इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को करने के बाद हम फिर उस पर चले आएंगे कि वो किस तरीके से किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, और फिर हम उस पर चले आएंगे कि वो मीन्स उन किस तरह के बॉन्ड बना सकते हैं, उनकी क्या केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है, और उनका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होता है, उनके ऊपर कितनी चार्ज आते हैं, बहुत सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट पीरियाडिक प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड बातें करेंगे, उनकी आयनिक रेडियाई क्या है, इसमें बहुत सारे कुछ अपवाद भी आते हैं जो आइसोलोबल का काम करते हैं, जैसे आपके बोरान जो होते हैं वो आइसोलोबल की वर्क करते हैं, आइसोलोबल एनर्जी के रूप में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं बोरान की बात करता हूँ, बोरान जो परेशान है एक एक एलिमेंट को नहीं, लेकिन बट हम इतना ज़रूर बता दें कि बोरान और कार्बन को आपको सिलेबस में डिटेल पढ़ना होता है। और जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम की बात करें तो यह एक प्रकार का मिनरल्स हुआ करता है, एल्युमिनियम्स क्या हुआ करता है, मिनरल्स हुआ करता है, और यह एल्युमिनियम जो एक प्रकार का मिनरल्स है,
तो ठीक है, एल्युमिनियम जब एक प्रकार का मिनरल्स है तो वो उसके मीन्स अयस्क होंगे, उसके और होते हैं बॉक्साइट, उसके अयस्क हैं कापर की कापर पाइराइट अयस्क है, आयरन का हेमेटाइट अयस्क है, तो बहुत सारे उनके अयस्क भी हुआ करते हैं। तो ये सारी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ों को हमको पढ़ना रहता है ना, तो इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि हम उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक तो ठीक है। पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पी ब्लॉक एलिमेंट का करते हैं, जैसे हम बोरान का करते हैं, बोरान का है पाँच, यहाँ पे बोरान पाँच लिख दे रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दे रहे हैं, दैट इज वन एस टू टू एस टू टू पी वन हो गया, तो यहाँ पे दो दो चार और एक पाँच हो गए, क्या हो गए, दो दो चार और एक पाँच हो गए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दूसरे, हम आपको बता दें कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं हमारे यहाँ, वो दूसरे आवर्त से ही शुरू हुआ करते हैं, जैसे दो हो गए, ये तीन हो गए, ये चार हो गए, ये पाँच हो गए, ये छः हो गए, तो छः आवर्त तक ही हुआ करते हैं। सातवें आवर्त में जो होता है, ठीक है, तो दो तीन चार पाँच छः सात, सातवें आवर्त में भी होता होगा, लेकिन बट यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि सातवें आवर्त से डी ब्लॉक से कुछ बिलोंग करने लगते हैं। जैसे आप यहाँ 31 देख रहे हैं ना, तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनियम, ऐसे है ना, नाम गल से पस्काल, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यह हमारा जो ये दूसरा वाला नंबर है, ये वाला नंबर, यह क्या शो कर रहा है, यह आपका पीरियड शो कर रहा है ना। अब पी जो है यह क्या शो कर रहा है, यह आपका ब्लॉक शो कर रहा है, और ये जो आपका शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ग्रुप शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पीरियड, प्लाक और ग्रुप तीनों हो जाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये आपका पीरियड से शो करता है कि ये पीरियड से है कि नहीं है। तो आपने देखा कि आपके ये दूसरे पीरियड के हैं, पी ब्लॉक के हैं, और पहले समूह के एलिमेंट हुआ करते हैं, और तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, तो ये देखिएगा आप, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, पीरियड हैं, और ये ग्रुप हैं ना, ठीक। तो आपका पांच बोरान का है, तो यहाँ पर पांच बोरान वन एस टू टू एस टू टू पी वन हो गया, तो इससे ये साबित हो गया कि ये दूसरे आवर्त के एलिमेंट हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, और ये पहले समूह का, जो पहला मैं कर रहा हूँ इसमें थर्ड ए चलेगा, ऐसा ना समझिएगा कि हम इसको पहला ही समूह कहते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पहला समूह तो पी ब्लॉक का पहला समूह है, ना कि आपका इसमें, ठीक है, ये पी ब्लॉक का पहला समूह है, ना कि इसमें है। और इसमें अगर आपको लेना है तो पहला भी पहला करना पड़ेगा, आपको इस तरह से करना होगा। अगर इसमें आपको पहला लेना होगा तो आपको इस तरह से करना होगा, देखिए हम आपको बता दें, ये देखिएगा, इधर नहीं जाते हैं हम, पहला इस तरीके से हम कर देंगे, फर्स्ट भी कर देंगे, सेकंड भी कर देंगे, थर्ड भी कर देंगे, है ना, इस तरह से कर देंगे, बट किताब में इस तरह से है, तो आपको यहाँ पे गलत नहीं करना है, आपको यही लेकर के चलना है, बट पी ब्लॉक का पहला समूह तत्व तो होता है, और हम गलत नहीं करेंगे, ये जैसा दिया हुआ है बुकों में उसी तरीके से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप थर्ड ए कर सकते हैं, है ना, थर्ड ए से शुरू होता है, थर्ड ए है, और ये फोर्थ, क्योंकि जो बीच शब्द चलता है वह आपका चलता है कि उसमें कि आपका उसमें चलता है, मीन्स डी ब्लॉक एलिमेंट में, ठीक है, ये इसमें चलता है, इसलिए प्लीज़ आप ऐसा गलत काम ना करिएगा। जीरो ग्रुप के एलिमेंट अपवादिक एलिमेंट होते हैं, वो दूसरे हिसाब से क्राइटेरिया उनका होता है, दूसरे हिसाब से उनका काम होता है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो फाइव भी हो गया, वन एस टू टू एस टू टू पी वन हो गया, ये पीरियड हो गया, और फिर उसके बाद हम चलते हैं आपका फिर इधर मीन्स तेरह एल्युमिनियम के, अच्छा कार्बन का ही देख लीजिए, आपका बारी बारी से जो भी इलेक्ट्रॉनिक नंबर है उन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है।
छह कार्बन का हो गया जैसे आपका, तो छह कार्बन में भी आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बरसात हो रही, काफ़ी अच्छी बरसात हो रही है और होना भी अच्छा ही था क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। छह कार्बन का आप देखिएगा, दैट इज 1s2 2s2 2p2, है ना। क्या हो गया 2p2 का मतलब हो गया कि पी ब्लॉक का ये दूसरा आवर्त है, और पी ब्लॉक का ये दूसरा आवर्त है ज़रूर, बट ये दूसरा आवर्त के साथ साथ पी ब्लॉक के दूसरे समूह में यह तत्व रखा गया है। यानी पी ब्लॉक का यह दूसरा आवर्त है ज़रूर, बट यह दूसरे आवर्त में रखा गया है कि नहीं। पी ब्लॉक का यह तत्व है दूसरे आवर्त का, लेकिन यह दूसरे समूह में रखा गया है और आप इसे देख सकते हैं अच्छी तरह से, और मैं आपको बहुत ही बखूबी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा ना। अब उसके बाद आता है 7 नाइट्रोजन का, तो 7 नाइट्रोजन का मतलब होता है दैट इज 1s2 2s2, और यहाँ पे 2p6 हो गया जिसे हम 6 4 10 इतना तो जाएगा नहीं, बट 2p3 ज़रूर जाएगा। अब 2p3 का मतलब किया तीसरे का हो गया, 8 ऑक्सीजन का देख सकते हैं आप, 8 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 1s2 2s2, और आपका 2p4 हो गया, तो 4 4 8 ऑक्सीजन का भी हो गया। उसके बाद 9 फ्लोरीन का है, उसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, दैट इज 1s2 9 फ्लोरीन का है। अब उसके 9 फ्लोरीन का होता है, और 9 फ्लोरीन का मतलब होता है दैट इज 1s2 2s2 2p5 होता है। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर 2p5 हो रहा है, और ये दूसरे ही आवर्त के चल रहे हैं, बट आपके ये जो समूह हैं वो बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उसके बाद 10 आता है हमारे पास, 10 नियान का है, और जहाँ पर ये हो जाता है न्यूट्रल, और ये पूरी तरह से न्यूट्रल 1s2 2s2 2p6 हो जाता है, 6 4 10 हो जाते हैं, है ना। तो आपने यह भी देखा 1s2 2s2 2p6 है, यहाँ पे 6 4 10 है। तो ये हमारा एक प्रकार का इनर्ट एलिमेंट होता है, इनर्ट एलिमेंट है क्योंकि 6 4 10 इनके जो आवर्त हैं ये पूरी तरह से ऑलरेडी इनर्ट हैं, इनके सेल जो हैं इनर्ट हैं, तो यह इनर्ट एलिमेंट होता है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह इनर्ट एलिमेंट नहीं है, यह एक प्रकार का इनर्ट एलिमेंट है। तो लेकिन एक चीज़ हम लोग को क्लियर हो गए कि यह पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह पी सब सेल में भरा जा रहा है, पी उपकोष में भरा जा रहा है। तो यही हम बोल रहे थे कि किसी भी परमाणु का, किसी भी एलिमेंट का अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में भरा जा रहा है तो वह पी ब्लॉक का ही एलिमेंट बोला जाता है, और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट हुआ करते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में ही भरा जाएगा ना। तो जब किसी भी किसी का भी एलिमेंट पी एलिमेंट अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में भरा तो ऑलरेडी वह पी ब्लॉक का ही एलिमेंट माना जाएगा, और इस तरह से जो होगा वो पी ब्लॉक का ही एलिमेंट बोला जाएगा, सही है। तो आपने देखा होगा कि पी ब्लॉक एलिमेंट होगा ये। अब आगे हम बढ़ाते हैं आपको और चीज़ें दिखाते हैं आपको, जैसे 13 एल्युमिनियम का हो गया, तो 13 एल्युमिनियम में भी आप देख सकते हैं कि ठीक है, 13 एल्युमिनियम का हो गया तो उसको भी आप देख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखा देते हैं हम। 13 एल्युमिनियम का हो गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं दैट इज 1s2 2s2 2p6, साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने हो गए, 10 हो गए हमारे, कितने बाकी, हमारे पास 3 बाकी हैं, तो ये ऑलरेडी क्या हो गया 1s2 2s2 2p6, है ना, 1s2 2s2 2p6 6 4 10,
और टू पी सी कितना होता है 10 2 12 और थ्री पी क्या हो गया 1, तो 6 4 10 10 2 12 और एक क्या हो गया 13 हो गए। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये तीसरे आवर्त का पी वाला का पहला समूह का तत्व है ना, तीसरे आवर्त के पी वाला के पहले समूह का तत्व है। तो इस तरीके से ये हो गया। 13 के बाद एल्युमिनियम का सिलिकॉन आ गया जिसमें 14 होता है, और 14 सिलिकॉन का मतलब दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s2 हम नहीं कह सकते हैं, जहाँ पे मैंने 3p6 कहा शायद यहाँ पे 3p2 हो जाएगा, क्योंकि आप इसे जोड़ सकते हैं 6 4 10 2 12 12 2 14 हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि यह क्या हो गया 3p2 हो गया ना। और आगे देख सकते हैं आप, जैसे 31 गैलिनियम का है, या मान लीजिए कि फास्फोरस का 15 है, तो 15 फास्फोरस का देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने फास्फोरस का देखा तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 6 4 10 2 12 3 15 हो गए है ना, 6 4 10 2 12 3 15 हो गए। और इस तरीके से आपने इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा है कि किस तरह से हुआ है। और अगला जैसे मैं सल्फर भी ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपको आता रहेगा तो आपको बखूबी तरीके से सब कुछ आता रहेगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने मिस किया हुआ है तो इसका मतलब आपने सब कुछ मिस कर दिया है, क्योंकि विदाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आप किसी चीज़ को ये जान नहीं पाएंगे कि किस ब्लॉक में यह बिलोंग करता है और किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है और किस ग्रुप से यह बिलोंग कर रहा है। इसलिए सबसे पहले हमें और आपको यह जानना ज़रूरी होता है कि वह किस ग्रुप से बिलोंग करता है, किस पीरियड से बिलोंग करता है और कहाँ से बिलोंग करता है, ठीक है। अब उसके बाद 17 क्लोरीन का आता है, 17 क्लोरीन का मतलब ये होता है दैट इज 1s2, उसके बाद आता है 3s2, उसके बाद आता है 2p6, उसके बाद आता है 3s2, उसके बाद आता है 3p5। तो 6 4 10 2 12 5 17 हो गए। तो आपने देखा कि यह पी ब्लॉक के पाँचवें वाले समूह से बिलोंग कर रहा था। और 17 क्लोरीन के बाद आता है 18 आर्गन, जो कि इनर्ट है, 0 ग्रुप एलिमेंट नाम रखा गया है, और 8वां समूह मान करके हम लोग इसको चला करते हैं। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, 1s2 हो गया, 2s2 हो गया, 2p6 हो गया, आप 3s2 हो गया, 3p6 का मतलब होता है कि p में 6 इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए और ऑलरेडी उसमें 6 इलेक्ट्रॉन हो भी गए। पी में 6 इलेक्ट्रॉन होने भी चाहिए और ऑलरेडी पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो भी गए। तो इससे यहाँ पे यह साबित हो रहा है कि पी में जब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो इसका मतलब कि यह क्लियर हो गया कि यह एक प्रकार का इनर्ट है। तो बेटा आपने देखा कि बखूबी तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जरिए कैसे किस तरह से बताया कि कैसे हम लोग यह जान लेते हैं कि यह किस ब्लॉक का है ना। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको डिटेल आना चाहिए, यदि आपको नहीं आ रहा तो केन शर्मा की बुक से ज़रूर पढ़िए। अब देखिए जो शेष हमारे पास एलिमेंट हैं उनकी भी हम आपको करके दिखा रहे हैं, है ना। जैसे हम अब आपको अगला करके दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, जो शेष टाइम है उसमें हम आपको दिखा रहे हैं। बाकी जैसे ये टाइम बीत रहा है आप बिल्कुल उसको होमवर्क के रूप में मान करके चलिएगा, और होमवर्क के रूप में मान करके मतलब यह हुआ कि घर पे आप इसे प्रैक्टिस करके देखिएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ करता है और किस तरह से सर ने किया और कैसे बताया कि यह इस ब्लॉक का एलिमेंट है और यह इस पीरियड का एलिमेंट है। तो प्लीज़ आप इसे घर पे जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने वाला नहीं है। चलो आगे हम चलते हैं, जैसे 31 गैलिनियम का है, क्या है 31 गैलिनियम का है। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
फॉरेस्ट, यहाँ तक आप जोड़ सकते हैं, बेस हो गया है ना, क्या हो गया बेस, देखिए 6 4 10 12 है ना, 6 4 10 10 2 12 12 6 18 2 20 हो गए। अब मेरे पास 31 बचा हुआ है, तो 4+2 के बाद क्या हो गया 3d10 30 हो गया। अब मेरे पास क्या बचा है, एक बचा हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया 4p1, यानी 4p1 यह बता रहा है कि हमारा जो गैलीनियम है यह चौथे आवर्त का एलिमेंट है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है और पहले समूह का तत्व। तो आपने देखा कि यह चौथे आवर्त का तत्व है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है और पहले आवर्त का पहले समूह का तत्व है, ये आपने क्लियर कर लिया। गैलीनियम के बाद 32 आता है जर्मेनियम का, जो कि सेमी कंडक्टर है, वो वाइट से में यूज होता है, ट्राई वैलेंट हुआ करता है। तो ये रहता है आपका 1s2 2s2, आपका 2p6 हो गया, 3s2 हो गया, 3p6 हो गए, 4s2 हो गए, 3d10 हो गया और 4p2 हो गया। तो आपने यह भी देखा कि किस तरह से हमने 4p2 किया, और यह भी बता रहा है कि यह दूसरे समूह का है बट चौथे ही आवर्त का एलिमेंट है। उसके बाद आते हैं AS का, स्टैटिन का आते हैं, 33 होता है, तो 33 AS स्टैटिन का होते हैं, और इसके लिए होता है दैट इज 1s2 2s2 होता है, 2p6 होता है, 3s2 होता है, 3p6 होता है, उसके बाद 4s2 होता है, 3d10 होता है, और ये क्या होता है 4p3 होता है। तो आपने देखा किस तरह, कितना सरल लग रहा है, हमें तो नहीं लग रहा कि बड़ा ही हार्ड है यह मैटर और आप नहीं कर पाएंगे। आप थोड़ा कोशिश करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और ये चेक कर लीजिए कि किस तरह से सर कर रहे हैं और ये कैसे किया जा रहा है ना, कैसे बताया जा रहा है। तो आप जब तक कोशिश नहीं करेंगे, आप रटने की कोशिश, देखिए इसमें रटा नहीं जाता है, इसका नियम होता है, आप भाव का नियम होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर में भरा जाता है, और यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तो आपका उच्च ऊर्जा स्तर में भरा जाता है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए कि जो यह सुपकोष होता है वह निम्न ऊर्जा स्तर का होता है, उसमें दिया रहता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए। तो ठीक है, आप बिल्कुल पढ़ाई करिए, जमकर पढ़ाई करिए, और बहुत जल्द ही हम लोगों की मुलाकात भी होगी क्लास ऑफलाइन वाली, क्योंकि बहुत जल्दी ही आपके टाइम आ रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग, जैसे 34 आपका सीरियम का, इसको भी देख लीजिए आप, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं बताए हैं ना। अब देखिए सारी चीज़ें वहीं रहेंगी, बस यहीं पर क्या हो जाएगा 4p4 हो जाएगा। लास्ट में कहाँ तक पहुँचेगा भाई, क्रिप्टॉन तक पहुँचेगा, क्रिप्टॉन में 4p6 हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको बिल्कुल यह चीज़ें अच्छी लगी होंगी, आप समझ गए होंगे कहाँ पे क्या पढ़ना था। शेष जो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाकी हैं उसे आप करने की कोशिश करिएगा, ताकि हमको भी लगे कि हाँ आप उसको कर लेंगे। आप देखिए कोशिश करिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी शेष बाकी हैं, इंडिनियम के, टिन के, लेड के, इन सारी चीज़ों को, इसमें कुछ है हमारे पास जैसे लेड है या अपवाद है, अफवाह के नियमों का पालन नहीं करता है, हाफ फिल फुल फिल्ला के नियमों का पालन करता है, तो कहीं पे कम करके कहीं पे फुल कर दिया जाएगा या दोनों को हाफ कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसको आप बखूबी तरीके से सतर्कता बरतते हुए आप वहाँ पर जा कर के इसको देखिए, करने की कोशिश करिए। हमें उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर करेंगे, है ना, तो बिल्कुल आप करिए। और बस आज के लिए इतना ही लग रहा है कि अब ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं है, तो ठीक है आप करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट को एक्सप्लेन किया, डी ब्लॉक के एलिमेंट को एक्सप्लेन किया, सॉरी एस ब्लॉक के एलिमेंट को एक्सप्लेन किया, है ना। तो आप इसको करिएगा, और अब मैं आखिरी में यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक से करना ना भूलें, आप बिल्कुल इसे लाइक से करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। हमारा उर्मिला देवी पीजी कॉलेज के नाम से चैनल चल रहा है, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करना ना भूलें, कमेंट लिखिए। और आपको सबसे बड़ी चीज़ें यह है कि आपको यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,
हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, बिल्कुल मिलेंगे। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।